पता नहीं इसको मतलब इसको किस चीज का भूत सवार है। आज तक भाई साहब शादी के पहले कभी मूवी मूवी हॉल का यहाँ से एक नक्शा भी नहीं देखी होगी। अच्छा जी आ इसको मूवी मूवी देखने का भूत सवार हो गया बताइए। गाइस ये देखिए मूवी के चक्कर में देख गाइस आप लोग देख सकते हो गौतम भैया इतना ज्यादा खुश है, इतना ज्यादा खुश है। गाइस हम लोग शीशे के ऊपर खड़े हुए हैं और ये ट्रांसपेरेंट शीशा है जो कि यहाँ से लगभग हम लोग 100 फीट ऊपर है कम से कम। तो भाई साहब आ गए हैं मूवी हॉल के अंदर और कुछ व्यू देख लीजिए यहाँ का, क्या जबरदस्त व्यू है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस शाम को 7 बज चुके हैं, अभी इनको मूवी का भूत सवार है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, हमको नहीं ले जा रहा है गाइस। देखिए मेरे साथ ना इंसान प्यारे से भाई को टोपी लगा दिए, थोड़ा इनका भी माइंड यार फ्रेश हो जाए क्योंकि आप समझ ही सकते हैं यार बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं आजकल ये। गाइस ये जाना नहीं चाहते हैं लेकिन बाबू का भी जो मतलब बहुत बहुत मतलब परेशान है अभी इसके वजह से, मतलब जो हमारे हस्बैंड जी हैं और रामिलन बाबू हैं बाबू को लेके जा रहा है तो चलते हैं और खूब इंजॉय जो भी होगा गाइस थोड़ा बहुत इंजॉय यार किया जाएगा क्योंकि माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। और बात रही इसको यार तो ये बताइए ये जबरदस्ती कर रही है मूवी जाने को, इसको मूवी देखना जरूरी है वैसे? हां तो गाइस इसे 10,000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए उसके बाद ही जाएगी। हां गाइस देखिए डांट के कैसे बोल रहा है, देखिए गाइस हमको नहीं ले जा रहा है गाइस, डांट के हमारी लाड बोल रही है कि अभी पापा मत ले जाइएगा, ये मान नहीं रही है। तो गाइस सही बात बोला ना भाभी जी, बताइए लाडू बोल सकती है? ये देखिए बोल रही है ना। हाँ देखो देखो कैसे तुमको देख रही है, बोल रही है कि नहीं जाना है मूवी देख, नहीं जाना है ना भैया। गाइस यहाँ पे डांट के बोला जा रहा है कि हम नहीं जाएंगे। गाइस बोल रहे हैं कि 10,000 सब्सक्राइबर यार पूरा हो जाने दो उसके बाद से चलते हैं। पता नहीं इसको मतलब इसको किस चीज का भूत सवार है, आज तक भाई साहब शादी के पहले कभी मूवी मूवी हॉल का यहाँ से एक नक्शा भी नहीं देखी होगी। अच्छा जी आ इसको मूवी मूवी देखने का भूत सवार हो गया बताइए। अच्छा ठीक है अच्छे से जाइएगा और मेरे लिए चॉकलेट और चिप्स जरूर लाइएगा, भूलिएगा नहीं। लाडो को क्या चाहिए, लाडो को बताओ, लाडो को चिप चॉकलेट कहाँ चाहिए बताओ बताओ क्या चाहिए। गाइस ये देखिए मूवी के चक्कर में देख गाइस आप लोग देख सकते हो गौतम भैया इतना ज्यादा खुश है, इतना ज्यादा खुश है डांस बाबू का शादी करा कर के और हमको सिखा रहे थे क्योंकि हमको डांस करने नहीं आता है। एक बार चलिए हमारे साथ डांस करिए। इस तरह ना 1 2 3 गाइस ये देखिए भाई भाई में कैसे डांस कर रहे हैं गाइस एंजॉय। तो गाइस अभी चल रहे हैं बाहर और देखिए इसको जा रहा है। इसको लेके आए हैं ताकि थोड़ा सा इसको बाहर घुमा दे, देखो बाहर का ये ऐसे व्यू आता है ठीक है, आता है ना ऐसे। अभी ये मत कहना कि हम बाहर तुमको घूमे लेकिन मूवी अभी ये मत कहना तुमको कभी घुमाने नहीं ले गए हैं। देखो ये सारा चीज तुमको दिखा दी है बाहर का व्यू, देख रहे हो ना मस्त लग रहा है एकदम, जैसे कि लग रहा है बाहर का व्यू देखे ही नहीं है। अभी यहाँ से डायरेक्ट चले जाओ किचन में, खाना वाना बना के सबको खिला देना, अब बबिया को लेकर सो जाना आराम से ठीक है। अच्छा से जाइएगा, हम जा रहे हैं एंजॉय करने गाइस, हमको छोड़ के एंजॉय करने है। कोई बात नहीं तुमको ले चलेंगे, टारगेट हमारा पूरा होने दो, अब बबिया भी तो बड़ हो जाएगी तब तक। हाँ अब मार के नजर इसमें लड़ेगा नहीं, सही है चलो आओ हाथ मिलाओ ठीक है गाइस निकल। ठीक है गाइस अभी चल रहे हैं, बाय बोल दो एक बार और बाय। अभी देखिए भैया यहाँ पे खड़े हैं, चलिए गाइस अभी गाड़ी का लॉक खोलते हैं, आइए भैया अंदर। गाइस आ चुके हैं कुसमी जंगल में और गोरखपुर यहाँ से मात्र भाई साहब 5 किलोमीटर दूरी रह गई है और यहाँ पे कुसमी जंगल यार पूरा सुनसान एरिया रहता है, ऐसा लगता है यार कि यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब आगे का व्यू, ना कोई गाड़ी आ रही है ना कोई गाड़ी जा रही है और बस गिने चुने गाड़ी आ रहे हैं। गाइस अभी आ चुके हैं भाई साहब रामगढ़ ताल पे जो कि इस साइड है, उस साइड नहीं है, जो मेन उधर रामगढ़ ताल पड़ता है उस साइड नहीं है। और भाई साहब देखो ये यार मेरी प्यारी सी कार यहाँ पे खड़ी है और मेरा छोटा भाई राम मिलन। गाइस यार आप लोग कैसे हो कमेंट में जरूर बता देना सिर्फ हमारे लिए। और भाई साहब हम लोग थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर देख सकते हो पेंटलून्स मॉल में और वहाँ पर ऊपर देखिएगा तो PVR सिनेमा है, तो उसी में गाइस आ चुके हैं और अभी चल रहे हैं हम लोग टिकट जो है बुक करना है मूवी का। और मूवी का टिकट का प्राइस भाई साहब 180 रुपये का है जो कि आपको आगे मालूम पड़ेगा, और 3 टिकट लेने वाले हैं और मूवी का टाइम जो है भाई साहब 11 बजे से होगा। गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग PVR सिनेमा के अंदर मॉल में और गाइस ये देखो यार कितना ज़बरदस्त व्यू यहाँ का, अभी चलते अभी भाई साहब लिफ्ट से जाएंगे हम लोग, किसी दिन आएंगे यार पूरी फैमिली को लेके गोरखपुर
बस इस चीज का हम भी वेट कर रहे हैं यार कि 10,000 सब्सक्राइबर हमारा पूरा हो जाए तो वैसे हम आएंगे। आपने तो गिरा होता, हमको भी गिरा होता, मजाक नहीं। सही गाइस, अब तक हम गिर गए होते और साथ में दीपू भैया भी गिरे होते, फर्स्ट बार यहां पर विजिट किए हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं यार पीवीआर सिनेमा में, और भाई साहब आगे का व्यू देखो यार कितना जबरदस्त है पीवीआर सिनेमा। और एक और इंटरेस्टिंग बात दिखाते हैं भाई, यहाँ पर आप देखिए ये जो पूरा नीचे का आपका व्यू है, ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा गाइस हम लोग शीशे के ऊपर खड़े हुए हैं, और ये ट्रांसपेरेंट शीशा है जो कि यहाँ से लगभग हम लोग 100 फीट ऊपर है कम से कम। और गाइस ये देखो कितना नीचे है यार, भाई साहब चलने में भी वैसे डर लगता है इस पे। यहाँ से देखो नीचे वो गाड़ी खड़ी है, वो दिख रहा है ना आपको, जो कि अभी हमको दिखाते हैं आपको ब्रह्मास्त्र। और ये मूवी देखेंगे यार क्योंकि ये मूवी जो है 3D में है। 3D भैया पहले कभी देखे हैं मूवी? फर्स्ट बार विजिट किया है जी। भैया फर्स्ट बार आए हैं और 3D मूवी नहीं देखे आप लोग? फर्स्ट बार विजिट किए हैं। तो भाई साहब आज ये भैया भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और रामलीला भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मैं ऑलरेडी एक मूवी 3D में देख चुका हूँ, तो आज देखते हैं कि इन लोग का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहता है। बाकी गाइज वहाँ पर देखिए टिकट वगैरह मिल रहा है। गाइज अभी आ गए हैं वहाँ से मूवी हॉल से निकल के और सामने स्टेशन पे, क्योंकि भाई साहब एक बार और आए थे तो होटल राज में हम लोग खाना वगैरह सब खाए थे जब गोरखपुरिया भाऊजी से मिलने आए थे। तो और खाना यार कसम से A1 का खाना यहाँ पे बना था। तभी गाइज बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है तो सोचे हैं आके यहाँ पे खाना खाया जाए, और खाना खा के उसके बाद से फिर मूवी हॉल में जाएंगे। वैसे थोड़ा सा यार वहाँ से टिकट जहाँ पे लिए हैं ना वहाँ पे अलाउ नहीं था वो वीडियो बनाना जहाँ पे टिकट ले रहे थे, इसलिए वहाँ पे आपको दिखा नहीं पाए थे हम कि टिकट कैसे निकाले हैं। लेकिन इतना आपको बता दें कि गाइज हम लोग का टिकट जो है वो कन्फर्म निकल चुका है, 3 सीट जो है वो बुक हो चुकी है और भूख बहुत ज़्यादा लगा था। तो आ गए हैं भाई साहब राज भोजनालय पे और यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे और खाना खा के फिर यार वहाँ पे जाएंगे। गाइज अभी टेबल पे बैठ के वैसे इंतजार कर रहे हैं खाने का। भाई साहब हम लोग का खाना यहाँ पे देखो गाइज आ चुका है और बहुत ज़्यादा भूख लगा है, तो पहले खाते हैं। देखिए खाने में क्या है, रोटी दाल पनीर और यहाँ पे सलाद भी है सब्जी भी है। गाइज अभी आ चुके हैं पार्किंग में जो कि मूवी हॉल में अंदर जा रहे हैं। अभी गाइज हम लोग का गाड़ी यहाँ पार्क हो गया, वहीं से एंटर किए हैं, यहाँ पे पार्क हो चुका है और अभी चल रहे हैं मूवी हॉल में अंदर। तो गाइज अभी का सीन ऐसा है यार कि आ चुके हैं मूवी हॉल के अंदर और हम लोग का टाइम जो है 11 बजे शो चालू हो जाने वाला है। लेकिन अभी कितना बज रहा है टाइम वैसे भैया? अभी 10:44 और मात्र 15 मिनट बच गए हैं अंदर जाने के लिए। तो भाई साहब आ गए हैं मूवी हॉल के अंदर और कुछ व्यू देख लीजिए यहाँ का, क्या जबरदस्त व्यू है। और भाई साहब अभी बैठेंगे और मूवी देखेंगे, उसके बाद आपको रिव्यू भी देंगे कि इसका रिव्यू कैसे होने वाला है। और गाइस देखिए दीपू भैया क्या कर रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं? मैं टाइप का हूं, लेकिन मैं फिट हूं। सच्ची एकदम फर्स्ट क्लास। यही तो बात है, इतना कुछ होने के बाद भी तुम फर्स्ट क्लास हो। अभी इंटरवल हो गया है और भाई साहब देखिए हम आए हैं जहाँ पे बाथरूम वगैरह, ये अंदर का जो है व्यवस्था यार गजब का है। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार, जैसे लग रहा था कि एकदम हम लोग के नज़दीक सब कुछ हो रहा है भाई। ठीक है ना, 3D मूवी है, एक्सपीरियंस जबरदस्त था। आपका कैसा एक्सपीरियंस? अरे बहुत अच्छा, एकदम मजा आ गया भाई। इंटरवल आया भाई, अभी इंटरवल हुआ है और अभी एंडिंग नहीं हुआ है। अगर टाइम की बात करें गाइस तो 1 बज गया है लगभग। मदद करो ताकि मैं अपने जीवन का मकसद पूरा कर सकूं, आपको पुनर्जीवित कर सकूं। ये लड़ाई जीत लेते। तो गाइस हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं, एग्जिट कर चुके हैं बाहर और वहाँ पे गाइज हम लोग का कार है, यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब। गाइज अभी हाईवे पे जा रहे थे तो एक जगह एक्सीडेंट हो चुका है, तो आगे हम आपको दिखाते हैं। वैसे ट्रक का जाम लगा है तो हम भी रुके हुए हैं लाइन में, जो कि आप देख सकते हो। गाइज ये रहा, देखिए कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। गाइज अभी का सीन ऐसा है यार कि आ चुके हैं घर पे और देखिए भाई साहब गाड़ी हमारी लग चुकी है। चलिए यार अंदर कॉल करते हैं किसी को और कॉल करके बुलाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह के बज चुके हैं 10 और रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था यार घर आते आते, और मूवी देख के आए हैं। मूवी वैसे बहुत मस्त लगा है। मेरा एक्सपीरियंस भाई
अच्छा रहा, क्योंकि 3D मूवी चाहे कैसा भी हो मुझे तो मस्त लगता है भाई, क्योंकि गाइस अकेले अकेले भैया लोग घूम लिया, अकेले अकेले बोल रहे हैं गाइस ऐसे फिल्म हुआ था, हम लोग नहीं जाएंगे भाई साहब, इंतजार कर रहे हैं इससे जगह पे हम लोग लेके गए रहते, हम देख रहे थे गाड़ी पर रहते तो अच्छा, इंतजार कर रहे हैं अब नेक्स्ट मूवी जो बढ़िया लगेगी तो पूरी फैमिली को लेके जाएंगे, अगर पारिवारिक कोई अच्छा मूवी रहेगा तो सब लोग चलेंगे। गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। आज का ब्लॉग यहीं एंड करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।